मजा नहीं आ रहा है। मैं आप झूठ तो बोल सकते हैं। मजा आया। तो और मेरे बंटे प्राणियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे ही रहेंगे। तो गाइस आज की वीडियो का थंबनेल टाइटल आप लोगों ने देख लिया, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि देखो, अगर आप लोग फ्री फायर के अंदर डीजे टीगल गन का यूज करते हो, अब आप में से शायद ही ऐसा कोई बंदा हो जो कि डीजे टीगल गन का यूज ना करता हो, तो देखो बात है वो सिंपल सी कि जब भी कस्टम का नाम आता है तो उस टाइम पे आप लोगों को एक ही गन याद आती है, उस गन का नाम होता है डीजे टीगल। और डीजे टीगल एक फ्री फायर के अंदर ऐसी गन है कि अगर आप लोग इसे सही तरीके से चलाना सीख गए तो उस टाइम पे आप लोग किसी भी स्क्वाड को एक साथ वाइप आउट कर सकते हो। आप लोगों के मन में एक कंफ्यूजन और हो गया कि वाइप आउट आखिर होता क्या है। तो वाइप आउट का मतलब होता है कि आप लोग एक स्क्वाड को एक ही गन से मार सकते हैं, पूरी की पूरी स्क्वाड को डीजे टीगल के साथ ही खत्म कर सकते हैं। लेकिन आप में से 90% बंदों के साथ एक प्रॉब्लम रहती है कि जब भी आप लोग किसी बंदे को मारने के लिए डीजे टीगल गन का यूज करते हो तो उस टाइम पे आप लोगों के ना तो बन टैप पड़ते हैं, बन टैप का तो छोड़ो आप लोगों के बॉडी शॉट तक नहीं पड़ते, कभी कभी आप लोगों का बन टैप पड़ता है लेकिन वो तुक्के में बन टैप पड़ता है भाई, मुंह की बात छील ली। और जो आप लोगों का तुक्के में बन टैप पड़ता है उसको हम तुक्का शॉट बोलते हैं, ठीक है, ना कि बन टैप। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको डीजे टीगल से बन टैप मारने कुछ ऐसी सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक देने वाला हूं जिनका तुम अगर यूज करोगे तो आप लोगों के सामने वाले बंदे को ओनली और रेड नंबर पड़ने वाले हैं। तो चलो गाइस बिना किसी टाइम वेस्ट के हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन यहां पर मैं वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले आज की इस वीडियो में 300 डायमंड का गिवअवे और चलेंगे। आप में से 3 रैंडमली बंदों को मेरी तरफ से मैं 100-100 करके डायमंड वो दूंगा। तो अगर आप लोग गिवअवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, फ्री फायर के अंदर फ्री में 300 डायमंड जीतना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आज की इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना है। कमेंट बॉक्स में जाके आप लोगों को बस अपनी यूआईडी सेटिंग मैसेज डाल देना है, तो आप में से 3 रैंडमली बंदों को मेरी तरफ से मैं 100-100 करके डायमंड वो दे दूंगा। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो भी मेरी वीडियो में गिवअवे होता है उसके बदले में ना तो आपसे आपके आईडी पासवर्ड मांगता हूं, ठीक है, ना ही मैं आपसे कोई पैसे वैसे मांगता हूं। मेरा जो डायमंड गिवअवे होता है वो बिल्कुल फ्री होता है, बस आपको अपनी यूआईडी साथ एक मैसेज डालना होता है। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं पहले नंबर की सीक्रेट डीजे टीगल वन टैप ट्रिक के बारे में बात। तो अभी मैं आपको जो कुछ भी बोलने वाला हूं या फिर जो कुछ भी दिखाने वाला हूं उसको थोड़ा ध्यान से देखना और ध्यान से समझना अगर आप लोगों को डीजे टीगल से ओनली और रेड नंबर मारने हैं। तो पहले यहां पर जो मैं आपको कुछ बोल रहा हूं उसको समझ लेना, उसके बाद आप लोग गेम में जाके इसको ट्राई कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लोगों को अपना फ्री फायर गेम ओपन करना है। फ्री फायर गेम ओपन करने के बाद आप लोगों को कैरेक्टर वाले सेक्शन के अंदर चले जाना है। जैसे गाइस आप लोग कैरेक्टर वाले सेक्शन के अंदर जाओगे तो आप लोगों को यहाँ पर एक कैरेक्टर मिलता है, उस कैरेक्टर का नाम है लूना कैरेक्टर। अब लूना कैरेक्टर की एबिलिटी होती है कि फ्री फायर के अंदर आप लोगों की जो गन होती है उसका रेट ऑफ फायर इंक्रीज करता है। अब आप लोग बोलो कि डीजे टीगल का रेट ऑफ फायर का और लूना कैरेक्टर का आपस में क्या लेना देना। अगर आप लोग डीजे टीगल गन के एट्रीब्यूट को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को डीजे टीगल गन के अंदर सारी चीजें सही से देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें सबसे कम जो देखने को मिलता है वो होता है गाइस इसका रेट ऑफ फायर। यानी गाइस डीजे टीगल गन के अंदर आप लोगों को रेट ऑफ फायर सबसे कम देखने को मिलता है। और ये बात तुम सभी को पता है कि अगर आप लोगों की गन के अंदर रेट ऑफ फायर नहीं होगा तो उस टाइम पे ना तो आप लोगों के बन टैप अच्छे पड़ेंगे ना ही आप लोगों के हेडशॉट अच्छे पड़ेंगे। तो आप लोगों का जो लूना कैरेक्टर है वो आप लोग गन के अंदर रेट ऑफ फायर इंक्रीज करेगा, जिससे आप लोगों के बन टैप भी नेक्स्ट लेवल के पड़ेंगे और हेडशॉट भी नेक्स्ट लेवल के पड़ेंगे। तो अगर आप लोगों को डीजे टीगल से ओनली और रेड नंबर ही मारने तो आप लोगों को लूना कैरेक्टर का यूज हमेशा करना है। ये तो गाइस आप लोगों की पहली ट्रिक जहां पर मैंने आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके समझा दिया। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक के बारे में बात। लेकिन उससे पहले एक सेकंड का टाइम निकाल के अभी मैं आपको जो कुछ भी बोलने वाला हूँ उसको भी थोड़ा ध्यान से सुन लेना। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पे देख पा रहे कि अभी हमारी जो सब्सक्राइबर है वो हो चुके हैं 9,61,000, हिंदी में बोले तो 9,61,000। जैसा कि तुम सभी को पता है कि ये साल यानी 2023 जाने में सिर्फ और सिर्फ 3 दिन बाकी रह रहे हैं और हमारी 1 मिलियन फैमिली कंप्लीट होने में सिर्फ और सिर्फ हमारे 39 के सब्सक्राइबर कम पड़ रहे हैं। ये बात मैं लगातार आपको अपनी 4 या 5 वीडियो में डेली की डेली बोलता आ रहा हूँ, लेकिन आप लोगों की तरफ से यार थोड़ा सा भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो यार मैं तुम सभी से इतनी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार देखो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि हमारी इसी साल आप लोगों ने 1 मिलियन फैमिली कंप्लीट करवा दी और ये चीज तभी पॉसिबल है जब आप में से हर एक बंदा सपोर्ट करेगा। तो मेरी तुम सभी से इतनी सी रिक्वेस्ट है कि देखो आप लोग मेरे को जानते हो या फिर नहीं भी जानते हो लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट अभी के टाइम पर दिखाना है। एक बार मेरे कहने से नीचे साइड देखो आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है, वो सिंपली बस आपको उस पर प्रेस करना है क्योंकि ना तो लाइक करने के पैसे लगते हैं ना ही सब्सक्राइब करने के पैसे लगते हैं। देखो मेरे को उम्मीद है कि आप लोग 3 दिन के अंदर हमारी 39 के फैमिली कंप्लीट करवा के 1 मिलियन फैमिली का जो टारगेट मैंने आपको दिया है वो कंप्लीट करवा दोगे। तो हो सके तो सब्सक्राइब वाला बटन याद से दबा देना यार, देखो मैं तुम सभी से इतनी सी रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ। तो चलो अभी हम बात करते हैं सेकंड और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सीक्रेट वन टैप ट्रिक के बारे में बात। तो देखो आप लोगों ने कभी भी मेरे गेम प्ले में एक बात हमेशा नोटिस की होगी कि जब भी मैं किसी बंदे को मारता हूँ तो उस टाइम पे मैं अपनी जॉयस्टिक को हल्का सा राइट साइड की तरफ खींचता हूँ, उसके बाद मैं बंदे पे फायर करता हूँ। चलो मैं आपको इसे थोड़ा सा इजी वे में समझाता हूँ। जैसा गाइस आप लोग यहाँ पर गेम प्ले में देख पा रहे हो कि मेरे सामने एक बंदा, ठीक है, जैसे ही मैंने बंदे को देखा उसके
उसके बाद मैंने अपनी जॉयस्टिक को हल्का सा राइट साइड की तरफ खींचा और जिधर की साइड बंदा है उस डायरेक्शन में मैंने फायर कर दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ही इजी ट्रिक है कि हमको अपनी जॉयस्टिक को हल्का सा राइट साइड की तरफ खींचना और जिधर की साइड बंदा होता है उस डायरेक्शन में फायर कर देना, हमारा इजी पीजी बन टैप पड़ जाएगा। तो देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, इसके लिए आपको हमेशा एक कैरेक्टर की जरूरत पड़ेगी। देखो आप में से बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो कि बन टैप मारते टाइम हमेशा जॉयस्टिक का यूज करते ही करते हैं, तो इसके लिए आपको एक कैरेक्टर मैं बता रहा हूँ, उस कैरेक्टर का नाम है डीबी कैरेक्टर। डीबी कैरेक्टर की एबिलिटी होती है कि जब भी आप लोग किसी बंदे पर फायरिंग करते टाइम जॉयस्टिक का यूज करोगे तो उस टाइम पे आप लोग की जो मूवमेंट स्पीड होती है उसको ये 30% तक बढ़ा देगा और आप लोग की जो गन की एक्यूरेसी होती है उसको ये 60% तक कम कर देगा। एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि आप लोग की जो गन रिकॉल खाती है तो वो इसको लगाने के बाद नहीं खाएगी। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि देखो आप लोगों को 3 दिन के अंदर हमारी 39 के फैमिली कंप्लीट करवानी है, तो मेरे को पता है कि आप लोग भी अपनी तरफ से पूरा पूरा सपोर्ट दिखाओगे, तो चाहे वीडियो को शेयर करो चाहे कुछ भी करो, ठीक है, लेकिन आप लोगों को 3 दिन के अंदर हमारी 39 के फैमिली कंप्लीट करवानी ही करवानी है। ये चीजें मैं बड़ी उम्मीद से बोल रहा हूँ, अगर आप लोग लाइक कर दोगे, सब्सक्राइब कर दोगे और शेयर भी कर दोगे तो इसमें आपके कोई पैसे वैसे नहीं लगते हैं, बस हमको थोड़ी बहुत खुशी मिलेगी कि यार आप लोगों ने मेरी थोड़ी सी बात मान ली और आप लोगों ने अपनी तरफ से पूरा पूरा सपोर्ट दिखाया। और इसके साथ ही आप में से बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो कि फ्री फायर के अंदर ना तो टॉप अप करते ना ही आप लोग के पास डायमंड लेने के पैसे हैं, तो आज की इस वीडियो के जैसे ही आप लोग कमेंट बॉक्स में जाओगे तो वहां पर मैंने एक वीडियो की लिंक पिन कर रखी है जहां पर मैंने आपको प्रूफ के साथ बताया कि आप लोग फ्री फायर के अंदर फ्री में डायमंड किस तरीके से ले सकते हो। और जाते जाते मैं तीसरी टाइम बोल रहा हूँ, हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन यहाँ से दबा देना। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ।